एक फॉर्म तैयार हो गया टेबल। अच्छा, इसमें हेडिंग भी लगा देता हूँ ना, H1 टेबल ऐप, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऐप बन गया। ये मैंने इतना फॉर्म अभी बना लिया, इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिखी, जनरेट की। हाँ, सही हो गई। इसको फॉर्म को इतने को हम चला के देखते हैं कि अभी तक क्या रिजल्ट इसका आ चुका है। सही है, अभी तक इसका क्या ऐसा रिजल्ट आ चुका है। अच्छा, जनरेट का बटन भी मुझे नीचे वाली लाइन में चाहिए, तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई यहाँ पे भी एक अदद क्या लगा दो, आप BR का टैग लगा दो। सही है, मैंने यहाँ पे भी एक BR का टैग लगा दिया, तो मेरा फॉर्म अब ऑलमोस्ट पूरा तैयार हो गया है। मैंने कहा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मैंने क्या कहा, फंक्शन प्रिंट टेबल, और उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले मुझे इसमें से क्या उठाना है, दोनों वैल्यूज़ उठानी है, इसको मैंने ID देनी है। फिर वैल्यूज़ उठाने के लिए एक को मैं ID दे देता हूँ नम, और दूसरे को ID दे देता हूँ टाइम्स। ठीक है, नम और टाइम्स दो मैंने इसको ID दे दी। मैंने कहा लेट नम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्वेरी सेलेक्टर होंगे। नम डॉट वैल्यू के नम में जो भी इस वक्त लिखा हुआ है वो बताए। अच्छा, इसको मैं रिक्वायर्ड भी कह देता हूँ। ये HTML में अगर ऐसे मैं रिक्वायर्ड बोल दूँ तो जब तक वो वैल्यू पुट नहीं करेगा बंदा उसको सबमिट नहीं करने देगा। और जो सेकंड वाला है इसको भी मैं रिक्वायर्ड बोलता हूँ, लेकिन इसमें मैं साथ में क्या लगाता हूँ, इसमें मैं वैल्यू एक डिफ़ॉल्ट भी लगा दूंगा कि 10 पहले से लिखा हुआ आ रहा हूँ। बंदा अगर कुछ ना भी लिखे तो 10 पहले से लिखा हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। और अगर वो 10 को हटा नहीं सकता, वो रिक्वायर्ड है ये क्योंकि। अच्छा, तो मैंने दूसरे वाले को भी यहाँ पर उठा लिया, नम के बाद टाइम्स जो था उसको भी मैंने उठा लिया। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं इस वक्त, एक नम एक टाइम। नम वो नंबर है जिसकी मुझे टेबल प्रिंट करनी है, और टाइम्स क्या है कि कितनी दफ़ा मुझे प्रिंट करना है। अब मैं यहाँ पर चलाऊँगा एक अदद फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप को मैंने बोला लेट इंडेक्स इक्वल टू, अच्छा इसको इंडेक्स को ना आई रखते हैं ज़्यादा, इंडेक्स क्योंकि बहुत लंबा नाम हो जाता है। आई स्टैंड फॉर इंडेक्स बाय द वे। तो मैंने एक लूप चलाया, और कितनी दफ़ा चलाया मैंने लूप, यहाँ पे मैं 10 दफ़ा भी चला सकता था लेकिन मैंने 10 दफ़ा नहीं चलाया। मैंने कहा कि टाइम्स में जो वैल्यू लिखी हुई है ना उस पर चलाओ। अच्छा, मुझे ये दोनों नंबर ना नंबर वाले में चाहिए, तो मैं एक छोटा छोटा प्लस लगा दूंगा यहाँ पे, जिससे ये क्या हो जाएगा, जब मुझे वैल्यू मिलेगी तो ये नंबर के फॉर्म में मिलेगी। अदरवाइज मैं जब फॉर्म से या प्रॉम्प्ट से कहीं से भी इनपुट लेता हूँ तो बावजूद इसके कि बंदे ने तो नंबर लिखा है लेकिन मिलता मुझे स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो उसको नंबर में पार्स करने के लिए यहाँ पे छोटा सा प्लस भी लगा दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, हाँ कुछ कह रहे हो, इधर देख लो, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हो तो मुझे भी बताओ फिर। अच्छा, तो मैंने कहा टाइम्स में जो भी वैल्यू दी है ना बंदे ने उतनी बार चलाओ इसको, ठीक हो गया, और ज़ीरो से लेके उतनी बार चलाओ। अब अंदर आके मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आई। आई में मुझे क्या बात मिलेगी, ज़ीरो से लेकर टाइम्स में अगर मिसाल के तौर पर 10 लिखा हुआ है तो मुझे 10 तक नहीं मिलेगा, मुझे 9 तक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई को प्रिंट करवा दिया। क्या देखते हैं अब लूप कितनी बार चल रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, इंस्पेक्ट एलिमेंट, कॉन्सोल को खोल लिया मैंने बड़ा सा, देखो यहाँ पे 10 पहले से लिखा हुआ आ गया। इसको मैं ऐसे क्लिक करूँगा ये सबमिट नहीं करने देगा मुझे, मुझे बोलेगा भाई वो टेबल का 5 लिखा मैंने, अब जनरेट दबाया तो ये चल गया। 0 से लेके 9 तक का मुझे नंबर मिलना शुरू हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जाहिर है मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए जिसके अंदर मैं टेबल को एक एक करके प्रिंट करूँगा। इस पैराग्राफ को मैं एक ID दे देता हूँ, अदरवाइज उसको मैं फिर कैसे रिजल्ट दे देता हूँ मैं, ठीक है, इसकी ID रिजल्ट। अच्छा, मैंने यहाँ पे आके बोला, मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और रिजल्ट, ठीक है। मैंने वो पूरा एलिमेंट यहाँ पे उठा लिया, तो मैं यहाँ पे आके अब क्या बोलूँगा, रिजल्ट डॉट
इनर एचटीएमएल, सही है, ऐसे बोल सकता हूँ ना मैं, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे सबसे पहले वो बात लिखूंगा कि कौन से की टेबल प्रिंट हो रही है, नम की ना, मैंने कहा नम, उसके बाद एक कैपिटल लेटर का एक्स, उसके बाद आई के 0, 1, 2, 3 ऐसे 9 तक जाएगा, सही लिख रहा हूँ ना। अब आगे क्या लिखूँ, इक्वल्स लिखूँ, और इसके बाद नम मल्टीप्लाई बाय आई, सही हो गया ये तो, रिफ्रेश किया यहाँ पे आगे मैंने, मैंने यहाँ पे लिखा 5 और जनरेट का बटन दबा दिया, ये तो सिर्फ आखिरी वाला लिखा हुआ है, वही तुम्हारा वाला इशू और जो आपके साथ भी हो रहा था। अब ये आखिरी वाला क्यों लिखा हुआ है सर, क्योंकि मैं यहाँ पे जब प्लस लगाता हूँ ना पहली दफ़ा, ये लूप 9 दफ़ा घूम रहा है, 10 दफ़ा घूम रहा है, ये तो हमें पता है, जब पहली दफ़ा ये लूप घूमता है तो रिजल्ट के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल में ये चीज़ रखवा देता है, ठीक है। अब मतलब रिजल्ट के इनर एचटीएमएल में कुछ डेटा आ चुका है अगली दफ़ा जब ये घूम रहा है, अब अगली दफ़ा जब ये घूमता है तो रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल में क्या रखवाता है, ये दोबारा रखवा देता है, तो पुरानी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, फिर अगली बार रखवाता है तो फिर पुरानी ख़त्म, तो एट द एंड होता है कि आखिरी बार जब चलता है तो आखिरी वैल्यू होती है, बाकी पीछे की सब ख़त्म हो जाती है। अब इसका मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया, क्या है इसका सॉल्यूशन, मैं इसको बोलूँगा रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस ये वाली बात कि रिजल्ट के डॉट इनर एचटीएमएल में ना जो पहले से है, सही है, वो मुझे यहाँ मिल रहा होगा जो पहले से है, मैंने कहा रिजल्ट इनर एचटीएमएल में जो कुछ है उसमें प्लस करो अभी वाला आइटम और उन उस सारे आइटम को उठा के वापस रिजल्ट। अच्छा, इसका फिर मैंने शॉर्टकट बताया था कि आप इसको ऐसे लंबा करके नहीं लिख सकते, अगर मतलब थोड़ा कोड ज़्यादा फील होता है तो ऐसे प्लस लगा दो, इसका मतलब भी वही है, शॉर्ट हैंड है। तो अब क्या होगा, अब ये उसमें एडअप करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा पुरानी चीज़ को, बल्कि पुराने पहले से जो मौजूद है उसमें एडअप करेगा नई चीज़ को। अच्छा, देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट अभी भी वैसे इसमें सही नहीं आएगा, तो हम एक एक करके उस मसले को आइडेंटिफाई करते हैं। ये तो एक लाइन में पूरा आ गया, अब इसका क्या करें, कौन बता सकता है, ये बी आर कहाँ पर लगाऊँ मैं, यहाँ पे मैं इसको एंड में भी लगा सकता हूँ बी आर ऐसे करके, क्योंकि इनर एचटीएमएल कर रहा हूँ ना, तो इस स्ट्रिंग में पूरा एचटीएमएल लिख सकता हूँ, पूरा एचटीएमएल प्रॉपर लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे एच टू भी बना सकता हूँ, मैंने कहा एच टू ऐसे होगा और यहाँ पे एच टू है, तो वो बाकायदा उसको एच टू के तौर पर डिस्प्ले करेगा कि पैराग्राफ के इनर एचटीएमएल में हेडिंग नंबर 2, ठीक है। और बी आर भी लगा दिया मैंने साथ में उसके, रिफ्रेश किया मैंने, मैंने कहा भाई 5 एंटर, देखो एच टू के तौर पर प्रिंट किया उसने, पैराग्राफ के अंदर एच टू है, सही है, लेकिन जो पैराग्राफ के अंदर एच टू है ये बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गया, बहुत ज़्यादा दूर दूर क्यों हो गया ये, क्योंकि इसमें बी आर की अब ज़रूरत नहीं है मुझे, एच टू तो ऑलरेडी नई लाइन में शुरू होता है ना, एच टू जब मैं लिखता हूँ तो वो तो पहले ही नई लाइन में शुरू होता है, फिर मैं बी आर भी लगा देता हूँ, तो इसलिए वो दो दो लाइन छोड़ गया, ठीक है। या इसको मैं कोई और भी इसका रख सकता हूँ नाम, इसके अलावा क्या होता है H2 के अलावा, टेक्स्ट का बताओ कुछ, बोल्ड, हाँ बी, मैंने कहा बोल्ड कर दो इसको भाई, मतलब बोल्ड करके दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा 5 और जनरेट, तो देखो बोल्ड हो गया आ रहा है, ठीक है। तो ये इनर HTML का मतलब है मैं HTML डाल रहा हूँ इसके अंदर, मैं सिर्फ प्लेन स्ट्रिंग लिखूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। अच्छा, अब इसके अंदर एक मसला और भी है, बताओ क्या मसला है वो, आइडेंटिफाई करो, मुझे चाहिए 10 तक, ये 0 से 9 तक चल रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, टाइम्स में प्लस 1 कर दूँ, हाँ I इज इक्वल टू, अगर मैं 1 कर दूंगा ना तो क्या होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा लेकिन 9 तक ही चलेगा ये फिर भी, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको 1 करना मसले का हल नहीं है, इसको वापस 0 कर देंगे हम। अच्छा, इसमें लेस देन इक्वल्स टू लगा दूँ तो 10 तक फिर चलेगा ये, रिफ्रेश किया मैंने,
उसको मैंने बोला 5 की टेबल दोबारा, हाँ 10 तक तो चल गया। अब लेकिन ये 0 से अभी भी शुरू हो रहा है, इसका क्या हल निकालें? इसका 1 लगा दें यहाँ पे, तो ये मेरा मसला हल हो गया। मैंने 5 लिखा, जनरेट किया, 1 से 10 तक चल रहा है। अच्छा, लेकिन मैं इस 1 को 0 करूँगा वापस से, और इसमें इक्वल्स नहीं लगाऊंगा मैं हमेशा लूप को 0 से शुरू करूंगा और 9 तक ही लेके जाऊँ। 9 तक का मतलब है कि जहाँ तक चला रहे हैं ना, उससे एक कम चलाऊंगा मैं। लूप को मैं हमेशा 0 बेस करके चलाऊंगा, 0 से शुरू करूंगा। वजह, क्योंकि लूप बना है एरे के लिए और एरे बना है लूप के लिए। तो अभी तो हम लूप को इस्तेमाल कर रहे हैं बगैर एरे के, अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम आई वुड से कि हम लूप को किसके साथ इस्तेमाल करेंगे? एरे के साथ। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है, और आपकी आदत होनी चाहिए कि आप लूप को कहाँ से शुरू करें? 0 से, क्योंकि एरे जो है वो इसका 0 बेस होता है। एरे हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे जब लूप के साथ मिला के। तो इसी वजह से हम हमेशा लूप को कोशिश करते हैं कि हम 0 से शुरू करें, अदरवाइज़ आपकी आदत ख़राब हो जाती है ना 1 से करने की, तो फिर वो बार बार आप 1 से करते हैं तो बड़े मसले आते हैं, अनकम्फर्टेबल फील करते हैं आप फिर बाद में ना। तो इस वजह से हम इसको 0 रखेंगे। लेकिन अब ये जो आई है ना, ये आई मुझे क्या मिलता है? 0 से 9, तो जहाँ जहाँ पे आई है मैं वहाँ वहाँ पे प्लस 1 लगा लूँगा। सही है, मैं प्लस 1 लगा के नीचे यूज़ कर लूँगा इसको। ठीक हो गया, अब सेव कर दिया मैंने इसको। वापस आते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं। अब बताओ क्या मसला है? ये तो कुछ गड़बड़ हो गई ना। 5 की टेबल ऐसी तो नहीं होती है। 5 टेंस ऑफ 46 हो गया ये। लेकिन हाँ देखो, यहाँ लास्ट में जब मैंने आई में प्लस किया ना, तो मल्टीप्लाई तो पहले होता है अकॉर्डिंग टू द जावास्क्रिप्ट रूल और अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल। तो मुझे ना यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ताकि इस काम को अलग से करें वो। हो सकता है ये, या इसका एक बेहतर सॉल्यूशन और ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे ना क्या करूँ, इंडेक्स की जगह ना मैं एक वेरिएबल दूसरा बना लूँ। सही है मेरा लेट, और मैंने कहा कि काउंट इक्वल्स टू आई प्लस 1। मैं ये भी कर सकता हूँ कि काउंट के नाम से एक अलग वेरिएबल बना लूँ, प्लस करवा के उसमें लगा दूँ, और यहाँ पे फिर नीचे उस काउंट के वेरिएबल का इस्तेमाल कर लूँ। सही है, यहाँ पे काउंट के वेरिएबल का। तो ये तरीका भी ठीक है कि लूप शुरू होते ही ना, मैं अगर मुझे 1 बेस का चाहिए हिसाब किताब, तो लूप शुरू तो मैं करूँगा 0 बेस पे, लेकिन लूप की पहली लाइन में ही मैं एक 1 बेस का वेरिएबल बना लूँ शुरू में ही, कि प्लस 1 करके वो 1 बेस हो जाएगा, और फिर उसको मैं अब लूप के अंदर इस्तेमाल करूँ अपने। तो ये तरीका निस्बतन ज़्यादा बेहतर है। अभी तो लग रहा होगा वाहियात ये सुनने में, क्या भाई यार क्या सीधा सीधा उसको 1 बेस बना लेते लूप को तो ज़्यादा सही था। लेकिन इन फ्यूचर जब आप एरे के साथ जब आप सर मारेंगे अपना, तो आपको ये पता चलेगा कि इसको 0 से बनाना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, तो ये हमने लूप का एक देख लिया तरीका, एक लूप से हमने छोटी सी प्रैक्टिस कर ली टेबल प्रिंट करने की। तो ये मैंने काउंट प्लस 1 करवा लिया, एक दफ़ा इसको चला के भी देख लेते हैं। अब फाइनली सही चल जाना चाहिए इसको। ठीक है, 5 1 5, 5 2 10 और 5 10 50 तक। अब मैं अगर इसको 100 लिखूं और जनरेट करूं तो क्या होता है? ये 10 तक लिखा है, उसी के नीचे इसने मज़ीद प्रिंट करवा दिया। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि मैं जब भी जनरेट का बटन दबाऊँ तो मैं क्या करूँ, उस रिजल्ट के डिव को खाली करूं पहले और फिर नया टेबल प्रिंट करना शुरू करूं। यही होगा ना हल इसका? तो अब बताओ मुझे कहां पे लिखूं खाली करने के लिए? प्रिंट टेबल के अंदर सबसे पहली लाइन में मुझे वो डिव खाली करवाना है। तो मैं यहां पे आके क्या बोलूंगा, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने नई टेबल को प्रिंट करवाने से पहले क्या बोला कि वो पहले से जो डिव है ना मेरी, उसको खाली करवा दो, ताकि जब भी मैं जनरेट का बटन दबाऊंगा, ये फंक्शन जब भी चलेगा, तो पहले वो टेबल खाली होगी फिर नई टेबल प्रिंट होगी। अब ज़रा इसको चला के दे जी, अभी भेज देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार अपना 6 की टेबल प्रिंट करो, और कितनी दफ़ा प्रिंट करो, 23 दफ़ा प्रिंट करो जनरेट। तो देखो 6 की प्रिंट हुई है डायरेक्ट, नीचे उसने 5 वाला पुराना डेटा क्लियर कर दिया। मैंने कहा दोबारा 5 की टेबल प्रिंट करो,
और कितनी दफ़ा करो, 5 दफ़ा जनरेट वर्ड के 5 दफ़ा आ गया। मैंने कहा 50 दफ़ा करो, 50 दफ़ा आ गया। सही है, मैंने कहा 5,000 दफ़ा करो, 50,000 दफ़ा कर दो, ये 50,000 दफ़ा हो गई है। ये क्या हुआ, कोई ग्लिच हुआ है? ये 50 दफ़ा ही, अच्छा वो चला रहा है उसको, वो चल रहा है अभी, हो रहा है वो। देखो ना मेरा प्रोसेसर ऊपर गया हुआ है पूरा, अभी चल रहा है। हैं, मैंने उस पर थोड़ा ज़्यादा, उसकी औकात से ज़्यादा उस पर बोझ डाल दिया मैंने। ठीक है, तो देखते हैं ये कितनी देर में होता है। अच्छा, ये जो हम इनर HTML वाला तरीका कर रहे हैं ना, ये थोड़ा स्लो होता है भाई। दर इसके इनर HTML को करने के ना कुछ और भी तरीके होते हैं, डॉम के मेथड्स होते हैं, जो हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम डायरेक्ट रिएक्ट पे मूव कर जाएंगे। रिएक्ट JS है ना, वो भी थोड़ी सी पढ़ेंगे हम। तो ये वाले काम ना रिएक्ट JS से थोड़े फास्ट होते हैं। रिएक्ट JS अभी जब पढ़ेंगे, फ्रंट एंड बनता है, HTML पे जो लिख रहे हो ना कोड अभी, वो रिएक्ट पे लिखेंगे हम अल्टीमेटली। सही है, तो जब पढ़ोगे तो वो पता चल जाएगा कि रिएक्ट क्या होता है। अच्छा, दूसरा जो नॉट JS है वो भी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, वो इंजन है जावास्क्रिप्ट को रन करने का। अच्छा, तो ये भाई जितनी बार मैंने बोला था उतनी बार तो इसने नहीं लिखा, क्योंकि ये इसकी औकात से बाहर निकल गया था, लेकिन कुछ ना कुछ इसने लिख दिया है। ठीक है, और अभी आप लोग सब नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, वापस आते हैं हम। तो वापस आने के बाद क्या पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक आज? एरे और लूप को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, एरे और लूप को मिला के, कि हमें अगर एरे पे आइट्रेट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। लूप और एरे का आपस में ताल्लुक असल में है क्या, जिसका मैं 2-4 क्लासेस से जिक्र कर रहा हूँ कि लूप और ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं, तो वो इंशाल्लाह करके देखेंगे। ठीक है, चलो ये लो। अबे भाई मैं पुश कर रहा हूँ ना GitHub में। हाँ, तो ये लो, पुश कर दिया मैंने GitHub में। फ़ोटो वोटो लेने की ज़रूरत नहीं है ना, मतलब ले भी सकते हो फ़ोटो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन GitHub में पुश है, ये पब्लिक है। मैं जितना भी कोड लिखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं पब्लिक करूँ। सही है, इवन दो कि मैं, मेरा ये मानना है कि मेरे मुंह से जितनी भी अल्फाज निकल रहे हैं वो भी सारे ऑन रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होने चाहिए। हाँ, जाहिर है ना, क्योंकि मेरे अल्फाज मुझे पता है कीमती हैं मेरे ख्याल में, वो तो कीमती है या नहीं है वो तो लेकिन मेरे ख्याल में है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं ऑन द रिकॉर्ड हो, और मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सोशल अकाउंट्स पर रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, तो GitHub में रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे कि मैं पढ़ा रहा हूँ। चलो यार, नमाज़ पढ़ के आ जाओ, फिर आगे चलते हैं।